अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कोशिश आज भी जारी है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम निकले हुए हैं। मैं हूं, मेरे साथ इरफान बशीर साहब हैं, एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर, फिर इकराम निज़ाम साहब बैठे हुए हमारे साथ हैं, इनकी बड़ी काविश है। बहरहाल कोशिश का जो मकसद है वो ये है कि माशरे के अंदर जो बिगड़ती जो सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हम बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। अगर हम इसी तरह खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे तो हालात ये हो जाएंगे कि कत्लो गारत आम हो जाएगी। ठीक है, एहसास जो अब नहीं है ख़त्म हो चुका, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना वो नापैदी हो जाएगा। अगर आज हमारे बच्चे खुशहाल ना हुए, हमने अगर इन बच्चों को सही डायरेक्शन ना दी, और ये मैं एजुकेशन जो हमारे इदारे हैं उनसे मेरी बड़ी सख्ती से गुजारिश नहीं बल्कि मैं तो उनका कुछ करना, मुझे कोई इख्तियार मिले ना मैं इनका बेड़ा गर्क कर दूँ। वजह ये कि ये कातिल हैं, इस कौम के कातिल हैं। इन्होंने लोगों को नंबर देना तो सिखा दिए कि जनाब ये टॉप कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि अल्लाह के बंदे कि इखलाकियात कैसी आनी है। और माशरे का ये सूरत हाल होती जा रही है, जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही घना, उतना ज़्यादा बदतमीज़ है। तो इसलिए ये हमारी काविश है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। आप सब भी, अगर आप सब हम मिलकर अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो यकीन करें माशरा जिस डगर पर चला हुआ है ये तबाह हो जाएगा। तो हमारी काविश है विनर्स इंस्टीट्यूट की जानिब से, कसूर में हमने एक स्कूल शुरू किया हुआ है। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम शुरू से ही उसी लेवल पर ट्रेन करें कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नाकाम ना हो, कामयाब हो जाए। तो बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे 100 से ज़्यादा बच्चों की हमारी पूरे पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन है। आप सबका अगर तावन हमें हासिल रहा तो आपके बच्चों के लिए जो है ना हम वो करेंगे जो आप जो वालदैन ने सोचा हुआ है कि उनके बच्चे कामयाब होने चाहिए। लेकिन ज़रूरी है कि आप सबका तावन, अगर आप सबका तावन ना हुआ तो हम नाकाम हो जाएंगे जी। अब मैं गुजारिश करूंगा कि इरफान बशीर साहब और इकराम निज़ाम साहब हैं FIM में जो है ना वो थानेदार हैं, तो वो अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान बशीर है और मैं द विनर्स इंस्टीट्यूट एकेडमी और अदारे की तरफ से सिलेक्ट हुआ हूँ 2016 में। जैसा कि सर ने पहले ऑलरेडी बता दिया है, हमारा जो स्कूल बनाने का मकसद जो है वो ये है कि जो हमारा एक फ़र्शुदा निज़ाम तलीम है, रटा सिस्टम, उससे बच्चों को निजात दिलवाना और बच्चों को प्रॉपरली गाइडलाइंस प्रोवाइड करके उनको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना। तो हमारी जो कोशिशें हैं ये माशरे की बेहतरी के लिए जारी हैं। आज भी हम विलेज टू विलेज और डोर टू डोर इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। सर वकास साहब और इकराम साहब, हम और मैं खुद, हम इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। क्योंकि देखें माशरे के अंदर बुराई और बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं और उनकी रेशो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि हम अपना हक अदा करते जाएँ। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना भरपूर तरीके से हक अदा करें। और अब हम जो है ना वो इकराम साहब को मौका देते हैं जी, वो भी अपने ख्याल का इजहार करें जी। इकराम साहब, आप भी, आप ज़रा, आप इतना वक्त दे रहे हैं क्योंकि आज के दौर में टाइम जो है ना वो बहुत कीमती है। आप इस काज को वक्त दे रहे हैं, आप भी ज़रा अपने ख्याल का इजहार करें जी। मेरा नाम मोहम्मद इकराम साहब है और मैं FIM में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी सिलेक्शन भी इसी इदारे से हुई, द विनर्स इंस्टीट्यूट से। मैंने सरवकास और मैम शालजा से जो है वो तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरिट पे सिलेक्शन हुई। आज हम निकले हैं सरवकास के साथ, मैं सरवकास और इरफान शीर के साथ। हमारा जो सरवकास की जो एक नई काबिज है, डोर टू डोर अवेयरनेस लोगों को, क्योंकि आजकल जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिस तरह से हर तरफ तारीकी है और आगे भी कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता, तो मैं समझता हूं कि जो इस कंट्री को, इस कौम को आगे ले जाने के लिए, या कोई भी कौम है, हम देखते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ही है वाहिद जिसके ज़रिए से हम किसी भी कौम को आगे ले जा सकते हैं, उसको तारीकियों से निकाल कर उसको जो कामयाब बना सकते हैं। तो सर ने जो एक अकेडमी भी है हमारी और फिर स्कूल भी है,
सर की काविश यही है कि हम बच्चों को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें और उनको अवेयरनेस दें कि किस तरह से हमने स्टडी करनी है, किस तरह से इस कौम को, इस कंट्री को हमने आगे लेकर जाना है। तो आज हम निकले हैं इधर कादिविंड की तरफ, एक गांव में आए हैं, तो बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ देहातों में हम होते हुए जा रहे हैं, हमारी डेली यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और उन्हें बताएँ कि बग़ैर रिश्वत और बग़ैर सिफारिश के आप बहुत आगे जा सकते हैं। जी इंशाल्लाह आप सबके तामन से ही कोशिश जारी रहेगी।